छुट्टियों का दिन था इसलिए एयरपोर्ट पर नॉर्मल दिन की अपेक्षा चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। यात्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने की तैयारी कर रहे थे। प्लेन के उड़ान के बाद चीजें सब कुछ नॉर्मल थी, लेकिन प्लेन जैसे अपने मंजिल से करीब पहुंचा, जो अब तक लगभग 3 घंटों की यात्रा कंप्लीट कर चुका था, इसी टाइम पायलट के सामने दिखाई पड़ा एक सिंगल इंजन वाला प्लेन। सिंगल इंजन प्लेन कब और कैसे आ गया सामने किसी को कोई खबर नहीं, पर जब तक सिचुएशन को संभाल पाते बहुत देरी हो चुकी थी। यह थी एरो मैक्सिको फ्लाइट 498। वक्त था 31 अगस्त 1986 का। A small plane collided with an Aero Mexico jet over a middle class neighborhood. Much of that plane crashed. Spokesman from Aero Mexico. But on August 31st, 1986, Aero Mexico flight 498 was a scheduled commercial flight from Mexico City, Mexico to Los Angeles. Aero Mexico jet. Small single engine plane. Aero Mexico DC-9. Flight 498. August 31st, 1986. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 30 साल से भी पहले 31 अगस्त 1986 को देश मैक्सिको के एयरपोर्ट पर। आज था संडे का दिन। एरो मैक्सिको फ्लाइट 498 अपनी अगली उड़ान की तैयारी कर रही है, जो यहां से जाने वाले थी देश अमेरिका के लॉस एंजलिस। उस टाइम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक था और आज भी है, जहां 40 मिलियन से ज्यादा लोग हर वर्ष आते तथा जाते थे। साथ ही साथ 1500 से ज्यादा प्लेन हर मंथ चेकअप तथा लैंड करते थे, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है वह इसी एयरपोर्ट के आसपास ही घटित होगा। नॉर्मल दिन की अपेक्षा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने रूम में पहुंचा, जहां से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। आने तथा जाने वाले प्लेन पर निगरानी रहेगी उसी की। सुबह के 8 बजे जब वह ऑफिस पहुंचा, तो उससे पहले उसके कई साथी मौजूद थे वहां पहले से। अब तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, सभी फ्लाइट बिल्कुल अपने पाथ पर चल रही हैं। इसी टाइम एरो मैक्सिको फ्लाइट 498 लॉस एंजलिस आने के लिए रेडी हो रही है, जहां सभी यात्री जा रहे थे प्लेन में। इस फ्लाइट में टोटल 64 लोग मौजूद रहेंगे, जिनमें 58 पैसेंजर तथा 6 क्रू मेंबर शामिल रहेंगे। क्रू मेंबर में एक थे कैप्टन अल्टरो एल्डरस प्राम, उम्र थी 46 वर्ष, जिन्हें 10,641 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। दूसरे थे 26 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर जोजे हेक्टर वेलेंसिया, जिन्हें है 1463 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस। इस प्लेन में कुछ यात्री घूमने के लिए लॉस एंजलिस जा रहे थे, तो कुछ जा रहे थे काम के सिलसिले में, मगर ज्यादातर यात्री थे यूएस के ही। फिलहाल प्लेन के फ्लाई करने से पहले सभी यात्रियों को बताया गया कि वे सीट बेल्ट लगा लें, हम जल्द ही टेक ऑफ करने वाले हैं। फिलहाल प्लेन अपने निर्धारित समय लगभग 8:30 बजे मैक्सिको से उड़ान भरी। ये प्लेन जहां जा रही थी लॉस एंजलिस, वहां पहुंचने से पहले एक जगह मिलेगा जिसका नाम था सुरिडोस। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, वह किस लिए ये आगे ही पता चलेगा। इस इलाके में ज्यादातर लोकल लोग ही रहते हैं। संडे होने की वजह से आज नॉर्मल दिन की अपेक्षा चहल पहल बिल्कुल कम थी, सभी लोग थे अपने अपने घर में। फिलहाल प्लेन के फ्लाई किए हुए 1.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम प्लेन मैक्सिको के बॉर्डर को पार करके पहुंच चुकी है यूएस में। कैप्टन तथा फर्स्ट ऑफिसर सारे मैनुअल को पर्सनली चेक किए, जहां पता चला सब कुछ नॉर्मल है। ये लगभग 12 बजे तक लॉस एंजलिस पहुंच जाएंगे, पर इन्हें कहां पता था लॉस एंजलिस पहुंचने से पहले इनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अगले कुछ ही मिनट बाद, जब लॉस एंजलिस की दूरी कुछ ही मिनट बाकी रह गई, जहां उससे पहले एक सिटी है टोरंस, जहां पर एक पाइपर एयरक्राफ्ट निकलने वाला था, जो क्रेमर फैमिली का एक निजी पाइपर PA-28181 आर्चिवर था। जिस तरह हमारे यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पर्सनल बाइक या फिर कार रखते हैं, पर यूएस इससे एक कदम आगे था, क्योंकि यदि उन्हें थोड़ा सा भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी तो ये यूज में लेते थे सेस्ना मॉडल का सिंगल इंजन वाला प्लेन। इसी तरह क्रेमर फैमिली पाइपर एयरक्राफ्ट से जाने वाले थे यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर बिग बियर सिटी, जिसे चलाने वाले थे विलियम क्रेपर, उम्र थी 52 वर्ष। उन्हें 231 घंटे तक इस पाइपर एयरक्राफ्ट को चलाने का एक्सपीरियंस था, यानी वे बहुत पहले से इसे ऑपरेट कर रहे हैं। उनके साथ रहेगी उनकी वाइफ कैथलीन, जिनकी उम्र थी 51 वर्ष, जबकि साथ रहेगा 26 साल का बेटा कैरोलाइन। फिलहाल ये तीनों लोग 11 बजे से पहले ही जाने की तैयारी कर लिए हैं। बिग वियर जाने के लिए विलियम से ज्यादा तो उसकी वाइफ तथा बेटा खुश था, क्योंकि इस तरह एयरक्राफ्ट से वे बहुत ही कम ट्रेवल किए थे, पर यह विलियम के लिए कोई भी नई बात नहीं थी। वह कहीं भी जाने के लिए एयरक्राफ्ट का ही यूज करता था। यहाँ इनकी यात्रा पूर्व की ओर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की होने वाली थी। यहाँ हमें पता होना चाहिए, उसकी वाइफ को भी एयरक्राफ्ट के बारे में काफी कुछ पता था, क्योंकि वह भी काम करती है एक इंजीनियरिंग कंपनी में। फाइनली इन्होंने करीब 11 बजे के आसपास उड़ान भर ली। फिलहाल जैसे एयरक्राफ्ट लॉस एंजलिस के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में आया, तो उनसे बातें की, जहां ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा बताया गया कि उनका पाथ बिल्कुल सही है। इस तरह प्लेन लगभग आधे घंटे तक फ्लाई करता रहा,
बज चुके थे सुबह की 11:30। आगे कंट्रोल टावर की तरफ से कैप्टन को सारी जानकारी दी गई कि आगे चलकर उन्हें किस पाथ को फॉलो करना होगा, साथ ही साथ ग्राउंड लेवल से उनकी ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि यदि हम इसे 3D में देखें तो हमें पता चलेगा यहाँ सभी मॉडल के प्लेन को फ्लाई करने के लिए 3 लेवल तैयार किए गए हैं, जिनमें से पहला लेवल था छोटे विमान के लिए, दूसरा था एरो मैक्सिको जैसे मिडिल आकार के प्लेन के लिए, जबकि लास्ट था बड़े विमान तथा लंबे रूट वाले विमान के लिए। फिलहाल प्लेन की तरफ से जब कंट्रोल टावर से संपर्क किया गया तो पता चला प्लेन की हाइट बिल्कुल नॉर्मल है, वे हैं सेकंड लेवल पर ही। वहीं यदि विलियम के एयरक्राफ्ट की बात करें तो उनका प्लेन भी है बिल्कुल नॉर्मल ऊंचाई पर आगे चलकर उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि आगे चलकर यदि वह गलती से भी अपनी ऊंचाई बढ़ाएं तो वहां से गुजरने वाले किसी न किसी प्लेन से कोलिजन होने का डर था। यहां ये भी बता दें, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्लेन में ट्रांसपोंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बताने का काम यह होता है कि प्लेन की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से कितनी है। पर यहां आश्चर्य वाली बात यह थी, उस टाइम पाइपर एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोंडर था ही नहीं, यानी विलियम चाहकर भी ये पता नहीं कर पाएंगे उनकी ऊंचाई ग्राउंड लेवल से कितनी है। पर आप सोचेंगे यदि वे खुद नहीं पता कर पाएंगे तो ये बताने में उनकी मदद कौन करेगा, ये भी पता चलेगा जल्द ही। फिलहाल अब तक मैक्सिको फ्लाइट तथा पाइपर एयरक्राफ्ट दोनों बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार पर हर पल नजर गड़ाया हुआ है। करीब 11:40 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को देखने को मिला 2 डॉटेड लाइन लगातार पास पास आ रही हैं, पर यह सही संकेत नहीं था उनके लिए। यहाँ विलियम अपनी ऊंचाई पता करने में कंट्रोल टावर के ऊपर डिपेंडेंट थे, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंट्रोल टावर की तरफ से जो भी ऊंचाई बताई जाएगी वह होगा कुछ समय पहले का, क्योंकि ATC को उड़ते प्लेन की ऊंचाई मेजर करके बताने में थोड़ा वक्त लगता है। इस स्थिति में प्लेन या फिर एयरक्राफ्ट ऊपर गए या फिर नीचे, तो उस समय एग्जैक्ट एल्टीट्यूड बताना नामुमकिन होगा। लेकिन आगे से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मैक्सिको के फ्लाइट तथा एयरक्राफ्ट को करीब आता हुआ देखा तो वे घबराने लगे। यहाँ घबराने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगर गलती से भी दोनों फ्लाइट की ऊंचाई सेम हुई तो संभावना थी इन दोनों के क्रैश होने की। एरो मैक्सिको फ्लाइट को अपनी ऊंचाई बिल्कुल पता थी, पर एयरक्राफ्ट के साथ सिचुएशन थोड़ी अलग है। पिछली बार एयरक्राफ्ट को जो फर्स्ट लेवल की ऊंचाई बताई गई थी उसे उतनी ही ऊंचाई पर रहने को कहा गया था, न कम की जाए न बढ़ाई जाए, जबकि एरो मैक्सिको फ्लाइट की ऊंचाई 5000 मीटर रखने को कही गई, मींस 5 किलोमीटर। और यहां अच्छी बात यह थी, इस टाइम एयरक्राफ्ट तथा प्लेन दोनों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कॉन्टेक्ट में है, पर इसी टाइम एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर विलियम के साथ कुछ मिस्टेक हुई। कंट्रोल टावर जो इन्फॉर्मेशन प्लेन को दे रही थी उसे सुना विलियम ने भी, इसलिए वे समझ लिए कि उन्हें 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाना होगा। विलियम को जब आखिरी बार मैसेज मिला तो वक्त हो रहा था 11:46। इस टाइम मैक्सिको फ्लाइट तथा पाइपर एयरक्राफ्ट दोनों मौजूद थे सिरडोस नामक सिटी के ऊपर, साथ ही साथ दोनों हर समय एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। यहाँ विलियम हर समय एयर ट्रैफिक पर डिपेंडेंट था। फ्लाई के दौरान ही विलियम के सीने में दर्द महसूस हुआ। जब उसकी वाइफ पूछने लगी कोई प्रॉब्लम है क्या, तो विलियम की तरफ से जवाब आया कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद NTSB को इस पर काफी शक हुआ था। उन्हें शक था शायद उस समय विलियम को हार्ट अटैक आया होगा, पर यह पूरा सच नहीं था। उस समय विलियम को सीने में दर्द तो था पर उसे हार्ट अटैक नहीं आया, उसका पूरा कंट्रोल था एयरक्राफ्ट पर। फिलहाल अगले 5 मिनट तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। आगे विलियम ने जब एयर स्पेस को चारों तरफ से देखा तो आसपास कोई भी प्लेन या फिर एयरक्राफ्ट नहीं दिखाई पड़ा, पर उन्हें कहां पता प्लेन तथा एयरक्राफ्ट दोनों हर समय एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहा था। पर ATC को अभी भी यही लग रहा है, उन्होंने जो दोनों को हाइट दी है दोनों फ्लाई कर रहे हैं उतनी ही ऊंचाई पर। थोड़े समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रूम से बाहर गया। जब वापस कंट्रोल रूम में आया तो उसके साथी बताने लगे प्लेन तथा एयरक्राफ्ट लगातार एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, पर ATC बताया कि दोनों की ऊंचाई बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आगे 11:50 पर ATC जब दोबारा से दोनों से कांटेक्ट की ये पता करने की कि वे कितने ऊंचाई पर हैं, लेकिन 11:50 पर जब उनके साथी एक बार फिर फोर्स करने लगे कि पता की जाए कि दोनों की ऊंचाई इस समय क्या है, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दोबारा से सीट पर बैठा, प्लेन तथा एयरक्राफ्ट पर रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजा ताकि पता कर सके उनकी ऊंचाई एग्जैक्ट कितनी है। जैसा कि ऊंचाई पता करने के लिए जमीन से रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजी जाती है, वह जब प्लेन से टकराकर वापस पहुंचती है तो उस टाइम को कैलकुलेट करके उसकी ऊंचाई पता की जाती है, पर ऐसा करने में कुछ समय लगता है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि जब प्लेन की ऊंचाई पता की जाती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा तो यह एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि जब तक उन्हें ऊंचाई पता चलती है तब तक प्लेन काफी दूरी तय कर लेती है। इस टाइम प्लेन की ऊंचाई ज्यादा या कम होने की संभावना होती है, पर खुद से ऊंचाई पता करने के साथ साथ विलियम से भी ऊंचाई पता की गई। लेकिन विलियम ने जो जवाब दिया सभी के होश उड़ गए। विलियम ने कहा कि उनकी ऊंचाई 5222 मीटर है। ये सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सरप्राइज हो गया
पूछने लगा कि इतनी ऊंचाई पर गए क्यों, हमने तो नहीं कहा। पर अब तक गलती क्या हुई थी दोनों को समझ में आ गया, इसलिए अब और देरी होती इससे पहले एयरक्राफ्ट को नीचे लाने को कहा गया, मगर ऐसा कुछ होता बहुत देरी हो चुकी थी। प्लेन तथा एयरक्राफ्ट की दूरी बस कुछ ही मीटर बाकी रह गई। साथ ही साथ एरोमैक्सिको फ्लाइट के कैप्टन को भी ये बात पता चली, प्लेन जिस अल्टीट्यूड पर है उसी ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा एक फैमिली एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के काफी करीब। ऐसा सुनते ही कैप्टन ने डिसीजन लिया कि प्लेन की ऊंचाई और बढ़ाई जाए, पर वे सिचुएशन को संभाल पाते बहुत देरी हो चुकी थी। मगर ये देरी कुछ इस तरह हुई कि उन्हें भी पता नहीं चल सका, क्योंकि एयरक्राफ्ट प्लेन के सामने नहीं बल्कि थी उनके पीछे, यानी वो पास भी आ जाए तो भी नहीं दिखेगा। अंत में ऐसा हुआ भी। 11:52 पर पाइपर एयरक्राफ्ट का सामने का हिस्सा प्लेन के होरिजेंटल स्टेबलाइजर से जा टकराया। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि एयरक्राफ्ट के सामने बैठे विलियम तथा उसकी वाइफ का सर धड़ से अलग हो गया, साथ ही साथ प्लेन के फैले तथा होरिजेंटल स्टेबलाइजर टूटकर अलग हो गए। ऐसा होते ही प्लेन गोता लगाते हुए आने लगी नीचे। अगले पल प्लेन सुरडोस के रिवा सर्कल एरिया में क्रैश हुआ, जहां मौजूद थे कई सारे घर। प्लेन की जैसे ही टक्कर हुई, जहां के आसपास के रहने वाले लोग इस समय थे घर के अंदर, जैसा कि आज संडे का दिन था इसलिए ज्यादातर सभी घर के अंदर ही थे, कर रहे थे आराम, पर धमाके के तुरंत बाद सभी नींद से जाग गए। प्लेन जिस पॉइंट पर क्रैश हुआ था वहां के आसपास के करीब 4 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। उस घर के मौजूद 7 लोगों की डेथ उसी समय हो गई। साथ ही साथ प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर तथा क्रू मेंबर जिनकी संख्या थी 64, सभी के सभी मारे गए। इस टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार पर ही नजर गड़ाए हुआ था, मगर जब टक्कर हुई थी उसके बाद भी दोनों रडार पर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जैसे जमीन पर आकर क्रैश हुआ रडार से ब्लिंकिंग डॉट गायब हो गया, मतलब ये भी जान चुके हैं प्लेन हो चुका है क्रैश। बार बार प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, मगर दोबारा से प्लेन से कांटेक्ट हुआ ही नहीं, साथ ही साथ दोबारा से रडार स्क्रीन पर नहीं दिखा। घर के आसपास के लोगों को तो पता चल चुका था कि यहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, मगर उस एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। यदि वो अभी क्रैश हुआ है तो कहां, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी। आसपास के घरों में रह रहे लोग जब बाहर आकर देखें तो उन्हें चारों तरफ प्लेन की बिखरे हुए मलबे दिखाई पड़े, जिसके आसपास लोगों की कटी हुई डेड बॉडी बिखरी पड़ी है। आसपास के लोगों का कहना था ये धमाका किसी मिनी एटम बम से कम नहीं था। हादसे के अगले पल बचाव अभियान जारी हुआ। जैसा कि प्लेन अपने मंजिल से ज्यादा दूर नहीं था इसलिए फ्यूल भी बहुत कम बचा था प्लेन में, पर इसके बावजूद बचे हुए फ्यूल ने आग पकड़ ली, इसलिए उन घरों में फंसे हुए 15 लोग जिन्हें बचाया जा सकता था आखिर में वे भी जलकर मारे गए। जब रेस्क्यू टीम क्रैश पॉइंट पर पहुंची तो वहां के हालात बस से बदतर थे, वहां एक भी ऐसा शख्स नहीं दिख रहा था जिसे वे बचा सकें। आगे आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, कुछ तो आग बुझाने में बिजी थे तो कुछ जीवित बचे लोगों को आवाज लगा रहे हैं, पर उन्हें ऐसा एक भी शख्स नहीं मिला जो जीवित हो। अगल बगल के चारों घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे। आसपास मौजूद सभी गाड़ियों में लग गई थी आग। आगे रेस्क्यू टीम को आग पर काबू पाते पाते दोपहर के 2 बज गए। जब आग काबू में आई तो उन्होंने पाया वहां कोई भी पैसेंजर जीवित नहीं है, सभी लोग मारे गए थे। अगर कुछ था तो था लोगों की कटी हुई डेड बॉडी जिसे येलो कपड़े से ढका गया। हादसे के लगभग 1.5 घंटे बाद एयरक्राफ्ट का भी पता चला, जो क्रैश पॉइंट से लगभग 8 किलोमीटर दूर सिरडोस के ही एक स्कूल ग्राउंड में पाया गया। जब वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची तो विलियम तथा उसकी वाइफ के सर धड़ से अलग थे, साथ ही साथ उसका बेटा भी जीवित नहीं रहा। हादसे का पता करने के लिए NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड जिस चीज की हेल्प लेती है वह था कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तथा फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो हादसे के बाद भी बिल्कुल सही सलामत था। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट का भी वॉइस डाटा रिकॉर्डर मिला, यानी वॉइस डाटा रिकॉर्डर को डिकोड करके कई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि आखिर क्रैश से पहले प्लेन तथा एयरक्राफ्ट में क्या क्या बातें हुई थी। NTSB के जांच के बाद फाइनल डिसीजन आया, जिसमें ये कहा गया कि उस समय एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऊंचाई से कहीं ऊपर थी, साथ ही साथ अपने एयर स्पेस को भी क्रॉस कर गया था, पर हादसे की ज्यादातर जिम्मेदारी विलियम को दी गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोंडर का होना जरूरी था, शायद इस हादसे की ज्यादातर जिम्मेदारी थी यही। अगर एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोंडर होता तो वे ऊंचाई पता करके नॉर्मल अल्टीट्यूड पर ही होते। उसी टाइम वॉइस डाटा रिकॉर्डर के जरिए सुनने को मिला उस टाइम विलियम को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन जब पूरे वॉइस को सुना गया तो पता चला बाद में हो गई थी सारी चीजें नॉर्मल, मींस प्लेन हादसे का रीजन हार्ट अटैक नहीं बल्कि था उसका नॉर्मल ऊंचाई से ज्यादा ऊपर जाना, इसलिए आगे से सभी एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोंडर का होना अनिवार्य कर दिया गया। पर इस हादसे के लगभग 17 साल बाद सन 2000 में जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था यहां से लगभग 2000 किलोमीटर दूर मौजूद है एक प्रिजन, उस जेल से 7 खतरनाक अपराधी भागने की कोशिश किए जिसमें वे लगभग कामयाब भी हुए थे, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही, धन्यवाद।